हेलो एंड वेलकम गाइस अ वेरी वेरी वॉम वेलकम एवरीवन आप सबका दोस्तों तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के सेशन में एंड अ वेरी वेरी वॉम वेलकम एवरीवन आप सबका डेली कर्टरफेस एनालिसिस में दोस्तों जो है वो स्वागत है uh, आज की तारीख जो है वो है ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ अक्टूबर और आज हम डिस्कस करेंगे सत्ताईस अक्टूबर की डेली कर्टरफेस एनालिसिस को uh, दोस्तों आज हम बात करेंगे कतर के बारे में आज हम बात करेंगे रेफरेंस फ्यूल के बारे में आज हम बात करेंगे, हम बात करेंगे आर के कई सारे जो सर्कुलर्स निकले हैं जिसमें कि कस्टमर को लेकर ऑन बोर्डिंग को लेकर डिपॉजिट्स को लेकर कई बातें की गई उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों तो हम पोलियो डे के बारे में बात करेंगे और हम ऑडियो वीडियो विजुअल हेरिटेज की बात करेंगे साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रगति प्लेटफॉर्म के बारे में आज कई सारी खबरों पर हम दोस्तों जो है वो बातचीत करेंगे लेकिन उसको बात करने से पहले मैं चाहूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जो तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स को लेकर उनको ज़रूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा चलिए अब आते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स के एनालिसिस पे दोस्तों आज से सेशन हमारा जो होगा वो 7:45 फोर्टी एम पर आपका लगातार स्टार्ट होता जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कशन का आगाज आपके साथ जो है अब दोस्तों वो करते हैं थिंग्स बट फर्स्ट ऑफ ऑल विथ योर सेल्फ हम ना अपने साथ बहुत गलत करते हैं अपने को नीचा दिखाते हैं अपने बारे में नेगेटिव बात करते हैं और अपने साथ पेशेंस ही रखते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे चाहे पिकासो रहे हो चाहे वो माइकल एंजेलो हो कोई भी हो उन्होंने अपनी पेंटिंग को समय लेकर बनाया होगा तो अपने लाइफ को अपने आप को एक पेंटिंग की तरह मानो और पेंटिंग को अगर अच्छा बनाना है लेजेंडरी बनाना है तो समय लगता है अगर बड़ा बनना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा तपना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा क्या सिग्नल है जिस सिग्नल का इस्तेमाल करके मैं आगे ग्रो कर सकता हूँ लाइफ में आएंगे फेलियर्स लेकिन लाइफ में सक्सेस भी आपका आएगा कल हमने आपसे दो questions पूछे थे। पहला question था कि वो ईस्टर्न स्टेट कौन सा है आफ्टर अरुणाचल जहां पर कि ई कैबिनेट सिस्टम को शुरू किया गया है तो उसका आंसर था आपका त्रिपुरा अभी यहां पर इंदिरा साहब जो है वो यहाँ के नए आपके गवर्नर बने हैं सेकेंड सवाल था कौन सा वो मिनिस्ट्री है जिसने फॉर गुड मॉड्यूल को स्टार्ट किया है तो इसको स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन ने और स्किल डेवलपमेंट और ऑन्टरप्रन्योरशिप में धर्मेंद्र प्रधान जो इसके मिनिस्टर हैं उन्होंने इसकी इस्तेमाल जो है वो हाल ही में दोस्तों आपका किया था ये बात आप सबको क्लियर हो गई है एक बार जरा फटाफट कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर ये, सर, ये, सर, हाँ, ये हमें बातचीत जो है वो क्लियर हो गई है अब आते हैं हमारे आज के डिस्कशन पर विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डायरेक्टेड ऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू हैव एटलीस्ट टू होल्ड एंड डायरेक्टर्स इन इट्स सेटअप कौन से संगठन ने ये बात ऐलान की है उसका आंसर है आपका दोस्तों आर बी आई इसके अलावा दोस्तों अभी आर बी आई न्यूज़ में था बिकॉज अभी आर बी आई ने अभी रिसेंट में अगर हम बात करें तो अभी आर बी आई ने रिसेंट में आपका स्टार्ट किया है द स्टेट ऑफ द इकोनमी रिपोर्ट इस रिपोर्ट को भी उन्होंने अभी हाल ही में प्रजेंट किया था तो उस रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी एक बार कर लीजिएगा इसके अलावा से भी आपका न्यूज में है बिकॉज एनएफओ का जो टाइम है न्यू फंड ऑफर का वो फिफ्टीन डेज के अंदर अब आप आपका हो जाएगा जबकि अगर हम बात करें आई का तो आई आपका तीन दिन के अंदर अब रजिस्टर आपका जो है वो करा लिया जाएगा उस वजह से, से भी जो है वो आपका दोस्तों न्यूज में है इरडाई आपका न्यूज में है बिकॉज इरडाई ने अभी बात की है बीमा वाहक के बारे में बीमा वाहक ऐसी महिलाएं हैं जो गांव में जाकर विलेज में जाकर इंश्योरेंस को आपका जो है वो सेल करेंगी और उसके लिए बीमा वाहक को उन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों आपका लॉन्च किया है इसके अलावा डीजीएफटी की बात करें इसका फुल फॉर्म है आपका डायरेक्टर जनरल फॉर फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी ने आपका अभी हाल ही में स्टार्ट किया है दी दर्ट ऑथराइजेशन स्कीम इस योजना को इन्होंने अभी हाल ही में आपका स्टार्ट किया है और इन्होंने ये भी कहा है कि जो रिस्ट्रिक्शन था लैपटॉप पीसी के इंपोर्ट पर उसे एक साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और उसको अगले साल लगाया जाएगा जबकि ये जो स्कीम आपकी है इसे इसी साल नवंबर वन से आपका स्टार्ट किया जाएगा जबकि बात कर एनएसओ का एनएसओ का फुल फॉर्म है आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ ने दोस्तों आपका पब्लिश किया है दी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जिसको लेकर मैंने काफी बातचीत की है PLFS पे सवाल एग्जामिनेशन में चाहे पीओ मेन्स का हो एस बी आई पीओ मेंस का हो क्लर्क का हो या फिर एस एस सी एग्जाम्स का हो कोई भी एग्जाम का हो पी एल एफ एफ एस के सवाल कई बार एग्जामिनेशन में आपके आएंगे एज पर द न्यूट्रिय बेस्ड स्टडी ऑन सब्सिडी ऑफ फर्टिलाइजर्स इंडिया हैज स्पेंड मोर दैन ट्वेंटी टू थाउजेंड करोड एज पर द रिपोर्ट वॉट इज द रेट ऑफ यूरिया पर बैक यूरिया जो यूरिया जो कि आपका एक फर्टिलाइज़र है उस पर कितना रेट लगाया गया है पर बैग का जिसका ऐलान भी हुआ है तो उसका आंसर है आपका रुपीज़ टू हंड्रेड सिक्सटी पर बैग पे लगाया गया है और इन सारे जो फर्टिलाइजर्स हैं उन पर जो सब्सिडी है उसको भी आपका इंक्रीज़ किया गया है जो आने वाला अक्टूबर मार्च क्वार्टर है उस पर सब्सिडी जो है जो अमाउंट खर्चा होगा दैट विल बी ट्वेंटी करोड़ का इसके लिए इसका इस्तेमाल होगा तो अगर आप लोग दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करने के लिए और केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिमूव करने के लिए सरकार ने कुछ महीने पहले एक योजना बनाई है उस योजना का नाम प्लीज पढ़ लीजिएगा उसका नाम है आपका पीएम ताकि इंडिया में जो ओवर रिलायंस है पे, उसे कम करके हम पे फोकस करें। उसके लिए पीएम प्रणाम को आपका स्टार्ट किया गया है विद फोकसिंग मोर ऑन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स रादर दैन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स क्लियर है इंडियन आर्मी ने इनोग्रेट किया है अपना पहला वर्टिकल विंड टनल इनमें से किस फ, आ, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में किस स्टेट के जहां पर एयर कॉम्बैट ड्रिल्स में या फ्री फॉल इवेंट्स की प्रैक्टिस की जाएगी इसको शुरू किया गया है दोस्तों आपका हिमाचल में हिमाचल में एक जगह है जिसका नाम है बकलो जहां पर शुरू किया गया है इसके अलावा अगर हम बात करें मेघालय में तो मेघालय में जगह है उसका नाम है उमरोई उमरोई में अभी जो इलेवेंथ एडिशन है हरिमऊ शक्ति का उसे दोस्तों कराया जा रहा है अब हरिमऊ शक्ति की बात करें तो हरिमऊ शक्ति किसके किसके बीच है हरिमऊ शक्ति आपका इंडिया और मलेशिया के बीच एक्सरसाइज है उसके आ, आ, केस में कराई जा रही है और इसका इलेवेंथ एडिशन जो है उसे मेघालय में आपका कराया जा रहा है इसके अलावा दोस्तों बात करें अब हम उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश अभी न्यूज़ में है बिकॉज इसने अपना जो फोर्थ फेज है मिशन शक्ति का उसको स्टार्ट किया है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे आपका फोकस करता है और उसके अलावा कर्नाटका में जो इंश्योरेंस कवर है जो शहीद पुलिस ऑफिसर्स हैं के लिए जो इंश्योरेंस कवर है जो पहले आपका 20 लाख का था उसे बढ़ाकर अब आपका 50 लाख रुपए जो है वो दोस्तों कर दिया गया है तो उसका वर्ड भी आप यहां पर दोस्तों जो है आप जरूर से याद रखिएगा क्लियर है आप सबको एवरीवन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रीति रि हलवासिया 1100 जो आपके पिंक स्कूटर्स हैं उनको भी यहीं पर आपका जो है दिया जाएगा इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वहां पर उसका इस्तेमाल जो है वो दोस्तों किया जाएगा अच्छा आ, ओके हाँ उसका इस्तेमाल यहाँ पर दोस्तों किया जाएगा हाँ चलिए आगे बढ़ते भारत के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने इनोग्रेट किया है आ, 124 पीएम श्री स्कूल्स इनमें से कौन से आपके स्टेट में हरियाणा छत्तीसगढ़ त्रिपुरा नागालैंड या आपका केरला वेल well, ये जो आपके स्कूल्स है इन्हें बनाया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए हरियाणा के अंदर बनाया गया है दोस्तों हरियाणा अभी इसलिए भी न्यूज में है बिकॉज हरियाणा में ई भूमि पोर्टल को भी स्टार्ट किया गया है ये एक ऐसा पोर्टल है जो कि प्रमोट करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लैंड और उस पोर्टल का इस्तेमाल भी हरियाणा के अंदर ही आपका स्टार्ट किया है हरियाणा ऑल्सो इज अ मेंबर ऑफ दी आर आर टी एस जो आपका रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम है जिसमें नमो भारत को स्टार्ट किया गया उसका हिस्सा भी जो आपका है वो हरियाणा है उस वजह से हरियाणा भी न्यूज में है छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री न्याय योजना सॉरी मुख्यमंत्री न्याय योजना

और इसी वजह से यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आपका एप्लीकेबल नहीं है और केरला की बात करें तो केरला भी न्यूज़ में है बिकॉज यहाँ पर सीनियर सिटीजन को लेकर एक कमिटी बनाई गई है एक कमीशन बनाया जाएगा बिकॉज इंडिया में जो मैक्सिमम परसेंटेज है सीनियर सिटीजन का वो आपका केरला के अंदर है इसीलिए केरला में एक कमेटी या कमीशन जो है वो बनाया जाएगा इसके अलावा इंडिया का जो लेटेस्ट पोर्ट है आपका विजिंजम जो पोर्ट है आपका वो पोर्ट भी कहां पर है पोर्ट भी आपका केरला के अंदर है और इस वजह से केरला आपका दोस्तों न्यूज में है कतरा कतरा सबको समझ में आ गया एक बार जरा फटाफट कमेंट कर दीजिएगा यस 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 सर ये सर ये सर हमें कतरा कतरा समझ में आ रहा है कैबिनेट ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इनमें से किस कंट्री के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ कम्युनिकेशन कोऑपरेशन किया है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सेमी सप्लाई चेन के लिए ये अग्रीमेंट दोस्तों जो किया गया है वो किया गया है आपका जापान के साथ उनके साथ ही एग्रीमेंट आपका किया गया है दोस्तों आपका में है, है तो अब उसको अपने प्राइवेट ऑर्गन को स्टरलाइज नहीं करना पड़ेगा फॉर अ चेंज इन जेंडर इसीलिए दोस्तों न्यूज में है आ, बाकी ऑप्शंस की बात करें चाइना की बात करें तो चाइना के हा चाइना की बात करें तो यहां पर अभी हाल ही में बेल्ट रोड इनिशियटिव का जो समिट है उसे हाल ही

इंडिया दुनिया की सॉरी साउथ एशिया की सबसे जो तेज आपकी ट्रेन सर्विस है उसको अंडर द बियरा इनिशिएटिव बियरा का फुल फॉर्म क्या है आपका बेल्ट रोड इनिशिएटिव उसके अंडर इंडोनेशिया में आपका बनाया गया है बाकी इसराइल की बात करें तो यहाँ के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने कल मैंशन किया है कि इंडिया जो है वो हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए इस बात को याद रखिएगा कि अभी तक इंडिया ने हमास को एक आतंकवादी संगठन जो है वो नहीं बनाया है इंडिया अभी भी आपका जो है वो एक टू नेशन पॉलिसी को आपका फॉलो करता है इस बात को ज़रूर याद रखिएगा बाकी न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में बने हैं लक्सन साहब यहाँ के आपके नए प्राइम मिनिस्टर इस वजह से न्यूजीलैंड भी आपका न्यूज में बना हुआ है अब आते हैं हमारी आज की खबरों पे उम्मीद कर रहे हैं जो लोग नए आए हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि हमारे सेशन में ना तो हम करंट ना ना तो सिर्फ हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं बल्कि रिवीजन भी साथ साथ करते रहते हैं ताकि आप रेगुलरली अगर आएंगे तो आपको अपने आप ही इंजॉय करना स्टार्ट करेंगे एक यहाँ पर और मेरा आपसे सवाल है दोस्तों अभी हाल ही में इंडिया ने एक इवैक्यूएशन कम एक ट्रांसफर प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके थ्रू इसराइल से कई लोग को जो है इवैक्यूएशन किया जाएगा उस पर्टिकुलर ऑपरेशन का नाम क्या है उसका नाम है ऑपरेशन अजय जो कि उन्होंने उन्होंने के साथ उन्होंने दोस्तों जो है अभी हाल ही में किया है अब आते हैं हमारे आज के करंट पे सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स की आ, सवाल पे आते हैं इनमें से वो कौन सा डिपॉजिट अकाउंट होता है जो कि सेविंग्स की तरह काम भी करता है और एफ की तरह भी काम भी करता है मतलब उसमें आप एक अमाउंट तक तो पैसे जमा भी कर सकते हो और उतने पैसे निकाल भी सकते हो अगर आपने मिनिमम पैसे जमा किए उस पर आपको इंटरेस्ट रेट में मिलेगा लेकिन उस पैसे को कभी भी आप निकाल सकते हो उसमें कोई बंदिश कोई रिस्ट्रिक्शन आपकी नहीं है उस अकाउंट का दोस्तों जो नाम है आपका वो होता है फ्लेक्सी जहां पर फ्लेक्सी का फुल फॉर्म होता है आपका फ्लेक्सिबल डिपॉजिट जहां पर एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एक मिनिमम अमाउंट आप मेंटेन कर सकते हो लेकिन उस उस अमाउंट को भी आप कभी भी यूज कर सकते हो उसमें कोई भी टाइम का वास्ता नहीं है अगर आपने मेंटेन किया तो आपको एफ की तरह इंटरेस्ट रेट मिलेगा अच्छा नहीं भी किया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं तो आपको उस पर इंटरेस्ट रेट अच्छा एफ की तरह नहीं मिलेगा उसका नाम क्या है आपका फ्लेक्सी अगर हम डीमैट की बात करें तो डीमैट का मेन मकसद है स्टॉक मार्केट में या जो आपका कैपिटल मार्केट है उसमें जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इस्तेमाल करते हो डीमार्ट अकाउंट का जिसे हम कहते हैं आपका एक डीमर्टिलाइज अकाउंट सिमिलरली भारत के जो एनआरआइज हैं जो ऐसे व्यक्ति ऐसे इंडियन ऐसे भारतीय नागरिक जो देश के बाहर लगातार 120 दिन से रहते हैं उन्हें कहा क्या जाता है आपका विदेशी? उन्हें कहा जाता है एनआरआई तो, रह तो इंडिया में अपने अकाउंट करने के लिए, वो का इस्तेमाल करते हैं जिसके एग्जाम्पल क्या कहें आपके एनआर एफ और एनआर ठीक है इसके फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा एग्जामिनेशन में आ जाते हैं नॉन रेसिडेंट ऑर्डनरी रूपी अकाउंट नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट और फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट इन तीन अकाउंट्स को तो हम कहते हैं एनआरआई अकाउंट्स सिमिलरली अगर डबल की बात करें इसका फुल फॉर्म आपका क्या इसका फुल फॉर्म है आपका एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जो कि इंडिया में ऐसे लोग जो फॉरेन करेंसी में व्यापार करते हैं जो फॉरन करेंसी में डील करते हैं दुनिया के साथ चाहे वो एक्सपोर्टर हो इम्पोर्टर हो उनके लिए इस अकाउंट का इस्तेमाल जो है वो दोस्तों हम यहां पर आपका करते हैं तो e e e e F C का फुल फॉर्म आपका है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट अकाउंट कतरा कतरा समझ में आ गया बाकी करंट क्या होता है करंट अकाउंट होता है इंडिया में व्यापारियों के लिए इंडिया में बिजनेसमैन के लिए वो बिना किसी बैलेंस को मेंटेन करके वो इसका इस्तेमाल जो है वो दोस्तों कर सकते हैं समझ में आया अब मुद्दे की बात क्या है दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि अभी आरबीआई ने कहा है कि अगर आपने इंडिया में एफडी ओपन किया है ठीक है तो एफ डी आपका अब उसमें एक नया टाइप उसमें एक नया चेंज आया है एक वर्ड दोस्तों होता है आपका कॉलेबल ये वर्ड जरा समझिएगा ध्यान से कॉलेबल कॉलेबल क्या होता है इस केस में इस केस में कॉलेबल होता है कि अगर मैं चाहूं तो समय से पहले अपने फिक्स डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकता और अगर वर्ड आया आपका नॉन कॉलेबल नॉन कॉलेबल का मतलब होता है कि मैं समय से पहले अपने अमाउंट को विदड्रॉ एफडी से नहीं कर सकता तो अगर एक कॉलेबल डिपॉजिट है एफ का उसका मतलब है कि मैं प्री विड्रॉल मैं समय से पहले विड्रॉ कर सकता हूं लेकिन अगर आपका नॉन कॉलेबल है तो मैं समय से पहले अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकता ठीक है यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे कॉलेबल डिपॉजिट की इसकी बात करेंगे कॉलेबल डिपॉजिट की ऐसे डिपॉजिट की ऐसे एफ की जिसे हम समय से पहले विड्रॉ कर सकते हैं हम बात करेंगे यहां पर प्री मच्योर विड्रॉल की ठीक है जी अब एज पर दी अगर आप पहले एक एफ ओपन करते जो कि आपका एक कॉलेबल एफ है उसमें मैक्सिमम लिमिट था आपका पंद्रह लाख का मतलब आप पंद्रह लाख का एफ ओपन कर सकते थे एज अ टाइप ऑफ प्री मेच्योर विड्रॉल जिसमें आप पंद्रह लाख रुपए तक पैसे विड्रॉ कर सकते हैं बिफोर द मेच्योरिटी डेट लेकिन अब जो आपका कॉलेबल एफ है उसे हमने इंक्रीज किया है टू एक करोड़ एग्जाम्पल के तौर पर मेरी मम्मी मुझसे कहती हैं कि आप मुझसे महीने में पांच ले सकते हो लेकिन अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे पांच सौ और ले सकते हो अब मम्मी ने मुझसे कहा कि पांच सौ रुपए और दे दिए उसी तरह से यहां पर अगर एक अगरबल एफडी है मतलब एक है जिसे मैं एक टाइम से पहले निकाल सकता हूं उसका पहले लिमिट था आपका पंद्रह लाख का मतलब आप पंद्रह लाख रुपए के प्रीमेचर एफडी कर सकते थे जिसका मतलब था कि ऐसा एफडी कर सकते थे जिसे आप समय से पहले निकाल सकते थे लेकिन अब वो जो अमाउंट है आपका उसे पंद्रह लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है हमने उसको हमने वन करोड़ रुपीज कर दिया है समझ में आया सबको कतरा कतरा क्लियर हो गया सबको स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि आर ने जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ऑफ नॉन कॉलबल डिपॉजिट जो पहले आपका एक करोड़ का था जो पहले पंद्रह लाख का था वो अब आपका एक करोड़ का हो गया है इसका मतलब है कि जितने भी डोमेस्टिक डिपॉजिट्स हैं जो जिनका लिमिट आपका एक करोड़ तक है उसमें प्री प्रीमच विड्रॉ फैसिलिटी जो है वो आपकी होगी मतलब एक करोड़ तक के डिपॉजिट्स पे प्री प्रीमच विड्रॉल जो है उसका इस्तेमाल अब हम कर सकते हैं उस उसपे हम पैसे समय से पहले निकाल सकते हैं कतरा कतरा छप गया सबको एक बार जरा कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर हमें छप गया इसके अलावा दोस्तों जो नॉन कॉल डिपॉजिट्स होते हैं जिसपे फीचर होता है आपका नो प्रीमियम विड्रॉल का ऑब्बियस बात है उस पर इंटरेस्ट रेट होता है वो आपका डिफरेंट होता है वो आपका ज्यादा होता है ठीक है हां सिंपल सी बात है अगर आपने मेरे साथ मेरा साथ दिया आपने कहा कि मैं आपके साथ पाँच साल दोस्ती करूंगा तो फायदा होगा और आपने पांच साल पहले ही दोस्ती तोड़ दी तो नुकसान होगा या फिर कम फायदा होगा वैसे ही अगर नॉन कॉलेबल है तो वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा कॉलेबल पे इंटरेस्ट रेट आपका जो है वो कम होगा नंबर वन नंबर टू 2019 में आरबीआई ने ऐलान किया था कि जो बल्क डिपॉजिट का डेफिनेशन है मतलब आरबीआई के हिसाब से अगर एक बैंक के अंदर एक लिमिट से ज्यादा डिपॉजिट है एक बंदे एक इंड, एक इंडिविजुअल का या एक कस्टमर का उसे कहा जाएगा बल्ट डिपॉजिट पहले जो बल्ट डिपॉजिट था वो आपका एक करोड़ का था लेकिन उसे बढ़ाकर अब आपका दो करोड़ कर दिया गया है ठीक है हाँ तो पहले वो एक करोड़ का था इसीलिए अब यहां पर कहा गया है कि एक करोड़ तक के जो आपके कॉलेबल डिपॉजिट्स हैं उनमें आप वो आप कर सकते हो पहले वही अमाउंट आपका जो था वो पंद्रह लाख रुपए का था समझ में आ गया सबको कतरा कतरा क्लियर हो गया सबको एक बार जरा फटाफट कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है मैं आखिरी बार कहूंगा वीडियो के लिंक को टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा समझ में आया सबको क्लियर हो गया सबको ओके मैं साइड हट जाता हूँ और एक बार जरा देख लीजिए इसका पी भी आपको जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा आगे बढ़ते हैं फिर बात करते हैं एक और मुद्दे की देखिए अच्छा समझिए ध्यान से मान लेते हैं मैं मैं नहीं, मैं नहीं अपनी बात क्यों करूं मान लेते हैं लेट्स सपोज शिवानी शिवानी है अब ने लेक लोन लिया और शिवानी ने लोन वापस नहीं किया अब जब शिवानी लोन वापस नहीं करेंगी तो उनका जो सिबिल स्कोर होगा वो क्या होगा खराब हो जाएगा यस या नो जो लोग नहीं जानते सिबिल स्कोर को हम कहते हैं क्रेडिट स्कोर अगर आप लोन लेते हो और समय के साथ लोन वापस करते हो तो आपका जो सिविल स्कोर है वो क्या होता है बेटर होता है लेकिन आपने लोन लिया और लोन लेके आप भाग गए तो आपका स्कोर क्या हो जाए खराब हो जाएगा अब शिवानी को अंदर से एहसास हुआ कि सर कुछ सर ने कहा है सही कहा होगा तो उन्होंने लोन वापस कर दिया तो कायदे से, से उनका स्कोर क्या होना चाहिए बेटर होना चाहिए कायदे से उनका स्कोर क्या होना चाहिए बेटर होना चाहिए लेकिन उन्होंने शॉक किया और देखा इवन आफ्टर रिपेइंग द लोन का जो क्रेडिट स्कोर है वो क्या है खराब है वो परेशान है परेशान क्यों है एक तो लोन लिया था दिक्कत हुई वापस करने में वापस किया लेकिन फिर भी जो उनका स्कोर है वो खराब रहा तो अब आरबीआई ने कहा है कि भाई अगर किसी का क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हुआ है तो विद इन थर्टी डेज आपको वो स्कोर को अपडेट करना होगा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आरबीआई ने कहा है कि थर्टी डेज के अंदर जो क्रेडिट स्कोर है अगर वो इंप्रूव हुआ है या चेंज हुआ है उसको थर्टी डेज के अंदर आपको जो है वो चेंज करना पड़ेगा इसका अपडेट दोस्तों जो है वो दिया गया है टू दी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एंड टू दी क्रेडिट रेटिंग कंपनीज की अगर क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हुआ है या चेंज या हुआ है अच्छा या खराब विद इन थर्टी डेज उसको आपको जो है वो अपडेट करना पड़ेगा अगर इसका अपडेट आप नहीं करते हैं तो पर डे हजार रुपए पर डे सौ रुपए उस कस्टमर के अकाउंट में आपके आपको प्रोवाइड करने होंगे तो मैं रिपीट फिर से करता हूं आपके लिए कि अकॉर्डिंग टू अगर क्रेडिट स्कोर अपडेट थर्टी डेज में नहीं हो रहा है तो डेज के बाद हर दिन हर दिन शिवानी के अकाउंट में या उस कस्टमर के अकाउंट में सौ रुपए पर डे आपको ट्रांसफर जो है वो करने पड़ेंगे समझ में आ गया सबको यहां पर रिपीट फिर से करूं आपके लिए सिबिल स्कोर की बात कर रहे हैं जिसका रेंज होता है आपका तीन से नौ का अगर आपका स्कोर यहां पर 450 से ज्यादा है तो आपको आराम से लोन मिल सकता है अगर आपका स्कोर सात सौ ज्यादा है तो आपको बहुत ही अच्छा अमाउंट लोन के तौर पर मिल सकता है तो ये बात समझ में आया सबको क्लियर हुआ सबको एक बार जरा फटाफट कमेंट कर दीजिएगा जो कंप्लेनेंट्स हैं उनको सौ रुपए पर डे मिलेंगे अगर ये शिकायत आपकी थर्टी डेज में रिजॉल्व नहीं हुई तो और ये जो अमाउंट आपका है सौ रुपए इसमें भी कंडीशन है कि अगर डिले हो रहा है तो वो जो सौ रुपए का अमाउंट है उसे विद इन फाइव वर्किंग डेज उस कस्टमर के अकाउंट में आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे जैसे कि अगर तीस दिन हो चुके हैं तो जो तीस दिन का अमाउंट है विद इन फाइव वर्किंग डेज उसको उस कस्टमर के अकाउंट में आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे समझ में आया सबको क्लियर हो गया सबको ये स्कीम देखकर मेरे को याद आ रहा है हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी का एक योजना जिसमें 21 दिन में पैसा डबल कुछ वैसा ही कस्टमर के लिए इसमें दोस्तों आपका हो सकता है इनमें से कौन सा बैंक है जिस पर फाइन लगाया है 3.95 करोड़ का आरबीआई ने बिकॉज उसने वायोलेशन किया था उसने कस्टमर्स को कॉल किया था सुबह सात बजे से पहले और शाम को सात बजे के बाद जो कि बैंकिंग आवर्स या बैंकिंग कॉलिंग आवर्स के ऊपर है या बियॉन्ड है उस बैंक का नाम है आपका कोटक महिंद्रा बैंक आ, दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक पे फाइन लगाया गया था आपका 12.19 करोड़ का जबकि यूनियन बैंक में फाइन था आपका एक करोड़ का और कोटा Mahindra बैंक में फाइन था आपका 3.95 करोड़ का अभी SBI आपका न्यूज़ में था बिकॉज़ SBI ने लॉन्च किया है एप्लीकेशन यूनु फॉर एवरी इंडियन उस वजह से SBI जो है वो आपका दोस्तों न्यूज़ में था इसके अलावा Axis Bank न्यूज़ में था बिकॉज़ Axis Bank ने अभी हाल ही में Google Pay के साथ टाई अप किया है और जो पर्सनल लोन्स हैं उसको ऑफर किया जाएगा थ्रू एक्सिस बैंक ऑन गूगल पे एप्लीकेशन उस वजह से वो न्यूज में है वैसे भी गूगल पे ने अभी सैशे देना स्टार्ट किया है जिस वजह से वो जो है आपका न्यूज में बना हुआ है तो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है दोस्तों कि जो वायोलेशन है कॉलिंग आवर्स का उसको देखते हुए कोटक महिंद्रा बैंक पर फाइन लगाया गया है और इस वजह से ये न्यूज में है तो खबर दोस्तों अभी ये आ रही है कि आरबीआई ने एक और प्रपोज किया है कि जो रिकवरी एजेंट्स हैं देखिए एक तो था कॉल नहीं कर सकते आप किसी लोन के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा तो आपके पास कॉल आता है हेलो मेरा नाम मीनू है क्या आपको लोन लेने की आवश्यकता है कि आपके कार पे आपको लोन मिलेगा आपको उस पर एडिशनल कैश ऑन ऑफर हुआ कि आप लोन लेने में इंटरेस्टेड हैं और आप क्या कहते हो आप कहते हो नहीं मुझे लोन नहीं चाहिए वो जो कॉल होती है वो सात बजे से पहले सुबह और रात शाम को सात बजे के बाद आपको नहीं मिल सकती है वैसे ही अगर रिकवरी एजेंट्स हैं ऐसे लोग हैं जिन्होंने आ, जो, जो जो आप अगर आपने लोन लिया है और आपने लोन वापस नहीं किया है और आप कस्ट में हैं और आप लोग वापस नहीं कर पा रहे हैं तो जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो भी अब आपको कॉल सुबह आठ बजे से पहले और शाम को सात बजे के बाद नहीं कर पाएंगे ये प्रपोजल जो है इस प्रपोजल को भी आर ने अभी हाल ही में आपका दोस्तों जो है वो दिया है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आर ने प्रपोज किया है कि जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो कॉल कर सकते हैं आठ बजे से लेकर

कि इस पर्टिकुलर लॉ को आपको जो है वो फॉलो करना पड़ेगा सुबह 8 से पहले और शाम को 7 के बाद आपको कॉल नहीं आएगी चाहे वो कस्टमर केयर की हो चाहे वो सेलिंग की हो या फिर अगर आपका लोन वापस नहीं किया है उसकी हो उस वजह से भी ये कांसेप्ट यहां पर नहीं किया जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे आते हैं एडीबी स्टडी करेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर इन से किस स्टेट के लिए गुजरात बिहार वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश तो जो इकोनॉमिक की स्टडी है ADB जो है वो करेगा वेस्ट बंगाल के साथ एक तो इस से में है। जो नहीं मैन्युफैक्चरिंग को, uh, को और रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए को प्लांट्स को लगाया जाता है तो उसकी स्टडी आपकी की जाएगी वेस्ट बंगाल में इसके अलावा दोस्तों गुजरात में जितने भी आपके पेरी अर्बन एरियाज हैं अहमदाबाद के उसके लिए ए जो है आ, उसने आ, जो है वो अमाउंट प्रोवाइड किया है लोन के तौर पे और वो अमाउंट आपका जो है दैट इज 181 मिलियन डॉलर्स इसके अलावा बिहार में डेवलपमेंट के लिए उसने प्रोवाइड किया है 295 मिलियन डॉलर्स ठीक है जी इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की हम आज बात करेंगे बिकॉज महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा का टेम्पल है जहां पर मोदी जी गए थे और कई उन्होंने वहां पर अनाउंसमेंट जो है आपके दोस्तों अभी हाल ही में किए हैं इसके अलावा यूपी की बात करें तो यूपी आ, के साथ अशोक लेलेंड ने टाइप किया है और अशोक लेलैंड है वो यहां पर करीब 1800 हंड्रेड e ई बसेस को मैन्युफैक्चर करेगा फॉर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश उस वजह से यूपी जो है वो आपका अभी न्यूज में है तो मुद्दे पर दोस्तों आते हैं मुद्दा यहां पर दोस्तों ये है कि एडीबी इसके अलावा प्रोवाइड करेगा हंड्रेड मिलियन डॉलर फॉर अर्बन सर्विसेज़ इन इंडिया अच्छा देखिए दो प्रोग्राम है आ, के. आ, पहले का नाम है आपका सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम वन और दूसरे का नाम है आपका सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम टू दो नाम है यहां पर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम वन एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलप प्रोग्राम टू ठीक है पहले प्रोग्राम में नेशनल लेवल पर अर्बन डेवलपमेंट करेगा सेकेंड प्रोग्राम में स्टेट लेवल पर और अर्बन लोकल बॉडीज मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो ग्रो करेगा तो थ्रू टू प्रोग्राम्स सब प्रोग्राम सब सॉरी सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम वन नेशनल लेवल पे सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम टू डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पर वो ग्रो करेगा जिसके लिए उसने प्रोवाइड किए हैं चार मिलियन डॉलर ठीक है और इसको यूज किया जाएगा अंडर दी अमृत मिशन 2.0 जिसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजिवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो पानी की बात करता है जो वाटर की बात करता है तो मैं रिपीट फिर से करूं आपके लिए एडीबी जो है वो 400 मिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड करेगा जिसमें नेशनल लेवल पर सब प्रोग्राम वन ज दैट इज सस्टेनेबल प्रोग्राम वन और स्टेट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सब प्रोग्राम टू के थ्रू वो करेगा और इसका इस्तेमाल किया जाएगा अंडर दू पॉइंट क्लियर है आपका अब अगर हम बात करें दोस्तोंट तो आपको यही मिलता है अमृत की बात करें तो अमृत का फुल फॉर्म है आपका अटल मिशन फॉर रेज्यूवनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत का सेकेंड फेज जो है उसे लॉन्च किया गया दो हजार इक्कीस में और ये आने वाले पांच साल तक वर्क करेगा Uh, 2022 में इसका बजट आपका है 2.77 ट्रिलियन रुपीस का और इसके अंदर सरकार प्रोवाइड करेगा 76,760 करोड़ बाकी अमाउंट जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट करेगा uh, इसका जो मंत्रालय है उसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर जो इसको देख रहा है और इसके अंदर खास तौर पे जो वाटर नीड्स हैं जो वाटर बॉडीज का उद्धार है उनका 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 रिजिवेनेशन है एक्विफर्स का मैनेजमेंट है जो कि वाटर बॉडी का एक टाइप है या फिर वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट है और ओवरऑल जो सर्कुलर इकोनॉमी है मतलब रिड्यूस रियूज रिसाइकिल कैसे हम चीज को रिसाइकिल करें उन्हें रिड्यूस करें उन्हें रियूज करें जो एक सर्कुलर इकोनॉमी है कि हर कचरे को हम कन्वर्ट करें किसी वेल्थ में या किसी मुनाफे में या किसी यूसेज में उसको लेकर ये फोकस आपका किया जा रहा है इसके अंदर हंड्रेड परसेंट कवरेज दिया जाएगा फॉर सुज एंड सेप्टेज टैंक्स इन द 500 सिटीज अमृत मिशन के अंदर वाटर कंजर्वेशन के लिए आपका चुना गया है तो स्क्रीन okay नेशनल लेवल पर और आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका डेवलपमेंट जो है वो हो सके ठीक है okay. uh, okay. यहां पर ये स्कीम आती है आपकी अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स और ये अर्बन मिनिस्टर कौन है इनका नाम है आपका हरदी सिंह पुरी ठीक है उनका ये कॉन्सेप्ट काम चलता है कतरा कतरा सबको समझ में आ गया आशी जैन जी बिल्कुल ये सेशन आपका जो है वो ग्रेड बी के लिए भी है टेंशन मत दीजिए उसके प्री लेवल के लिए सेशन आपका ये है उस पर काम यह आपका करेगा समझ में आ गया सबको क्या बात है आगे बढ़ते हैं। भारत बिल पेमेंट सिस्टम एक प्रोजेक्ट है जिसको इनमें से किसने लॉन्च किया है कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भारत बिल पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है तो उसका आंसर है आपका दोस्तों जहां पर NPCI का फुल फुल फॉर्म फॉर्म क्या है है इसका है आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों जब हम बात करते हैं एनपीसीआई की तो एक सवाल आपके एग्जाम में आता है कि इनमें से वो कौन से प्रोडक्ट हैं जिन्हें एनपीसीआई ने बनाया है तो उनमें नाम लिख लीजिए उनमें डबल बी है जिसकी हम बात आगे करेंगे उसमें एन है यू है भीम है ए पी एस है ए पी बी एस है ठीक है सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके उन प्रोडक्ट्स को जिनको एनपीसीआई ने आपका दोस्तों बनाया है भारत बिल पेमेंट सिस्टम नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आधार पेमेंट सिस्टम ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके जो एनपीसीआई ने बनाया है ऑप्शन बी की बात कर नीति आयोग की नीति आयोग भी न्यूज में है बिकॉज नीति आयोग एक बना रहा है स्ट्रैटेजी और ये स्ट्रैटेजी क्या बना रहा है ताकि जो ट्रेड घाटा है जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का चाइना के साथ उस घाटे को हम कम कैसे कर सकें ठीक है उसे कैसे कम कर सके चाइना के साथ उसके लिए ये बना रहा है इसके अलावा दोस्तों नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने अभी हाल ही में आरई के साथ टाइप किया है उनके साथ टाइप करके वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करेगा उस वजह से एनआईसी का फुल फॉर्म है, है कतरा कतरा समझ में आ गया सबको क्या बात है अब आते मुद्दे में मुद्दा दोस्तों ये है कि भारत में एक संगठन है उसका नाम है एनडबल बी पी एनबीबीपी जिसका फॉर्म है एनपीसीआई का भारत बिल पे NPCI का जो भारत बिल पे है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर NPCI, उसने दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी के लिए बिल पेमेंट को शुरू किया है मैं रिपीट फिर से करता हूँ जो NPCI का भारत बिल पे सिस्टम है उसने बिजनेस टू बिजनेस मतलब संगठनों के बीच बिल पेमेंट का जो एक फसिल फैसिलिटी है उसको दोस्तों लॉन्च किया है मतलब ये कि अगर मेरे को मेरा एक बिजनेस है मेरा एक व्यापार है और मुझे आपसे कोई चीज परचेस करनी है और आपको मैं, और आपको मुझे बिल पे मुझे आपको बिल पे करना है तो मैं भारत बिल पे का इस्तेमाल कर सकता हूं फॉर पेइंग बिल टू यू अच्छा आप समझना ध्यान से अभी तक आपका जो भारत बिल पे था वो सिर्फ पब्लिक या फिर कस्टमर टू कस्टमर के लिए था फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बिजली का बिल पे करना है स्कूल का फी पे करना है रिचार्ज कराना है उसके लिए भारत बिल पे था लेकिन अब आपका जो भारत बिल पे है उससे आप बिजनेस टू बिजनेस कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल भोला भोली है भोला को एक चीज परचेज करनी है अपने व्यवसाय के लिए बिजनेस के लिए भोली से भोली उसको सेल करेगी तो भोली को पेमेंट कैसे किया जाएगा अब उसको भी दोस्तों आपका बी के जरिए भारत बिल पे के जरिए के जरिए किया जाएगा अब सवाल आएगा कि सर मिलेगा कहाँ पर ये आपका मिलेगा फिलहाल आपका एक तो जियो पेमेंट बैंक की जो ऐप आप है आपकी माई जियो उस पर मिलेगा और वहां पर जो बिलर होगा फॉर एग्जाम्पल आरजू विथ एक्सिस बैंक वहां पर मिलेगा तो इस पूरा जो आपका सिस्टम है उस उसपे जो बैंक इन्वॉल्व है जिसमें कहा जा रहा है बिलर ऑपरेटिंग यूनिट जो कि बिल्स को अप्रूव करेगा और ट्रांसफर करेगा उस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक और एप्लीकेशन क्या है आपकी एप्लीकेशन है आपकी जियो पेमेंट का माई जियो ऐप तो माई जियो ऐप पर आपको यह मिलेगा नंबर वन एंड नंबर टू एक्सिस बैंक वर्क करेगा एज द बिलर ऑपरेटिंग यूनिट जो कि इस बिल को अप्रूव आपका करेगा तीन टर्म्स होते थे हैं आपके देखिए तीन क्या बहुत टर्म्स होते हैं आपके बी टू बी क्या होता है बिजनेस टू बिजनेस बी टू सी क्या होता है बिजनेस टू कस्टमर जहां पर बिजनेस कस्टमर से बात करता है फिर होता है डी टू सी डायरेक्ट टू कॉमर्स डायरेक्ट टू कस्टमर जहां पर डायरेक्टली आप वेबसाइट वे वे जा पर जाकर कस्टमर से वो सेल कर सकते हैं आरजू बिलर है मतलब जिसके जिसके जरिए आपका जिसके जरिए बिल ट्रांसफर होगा वो आपका आरजू है उस कंपनी का नाम और बैंक जो सपोर्ट करा उसका नाम है आपका एक्सिस बैंक क्लियर हो गया सबको यहां पर तीन सवाल बनेंगे आपसे सवाल पहला बनेगा कि किस एनपीसीआई के प्रोडक्ट ने या कंपनी ने लॉन्च किया है उसका आंसर होगा आपका एनपीसीआई भारत बिल पे कौन सा बैंक एक्ट कर रहा है एज एज द बिल ऑपरेटिंग यूनिट उसका आंसर एक्सिस बैंक कौन सा फिनटेक कंपनी एज ए वर्क कर रहा है बिलर उसका आंसर है आपका आरजू और कौन सी ऐप पे अवेलेबल है आपका ऐप का नाम है आपका जी बाई जियो ऐप ऑफ जियो पेमेंट्स बैंक अभी दोस्तों जियो न्यूज में था बिकॉज जियो मार्ट के जो आपके बने हैं ब्रांड एम्बेसिडर उनका नाम क्या उनका नाम है आपका महेंद्र सिंह धोनी इसके अलावा धोनी साहब जो हैं वो लेस के भी लेस चिप्स के भी उसके बने हैं ब्रांड एम्बेसिडर साथ ही साथ वो ओरियो जो बिस्किट है उसके भी आपके एम एस धोनी जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में आपके दोस्तों बने हैं क्लियर हो गया सबको कतरा कतरा सबको छप गया आ, अच्छा अब इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर फैसिलिटी में जो सर्विसेज हैं उनमें आपका है फ्लेक्सिबल इनवॉइस प्रेजेंटेशन कंप्लेट मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये सारे चीजें जो है इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा और मल्टीपल तरीके आपको प्रोवाइड करेगा पेमेंट करने के यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं आईएमपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप कई तरह का इस्तेमाल इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर दोस्तों जो है वो कर सकते हैं ठीक है जी क्लियर हुआ सबको अब आते हैं सर ये डबल बीपीएस होता क्या है सबसे पहले दोस्तों डबल बीपीएस का फुल फॉर्म है आपका भारत बिल पेमेंट सिस्टम ये आपका एक ऐसा सोल्यूशन है जहां पर तमाम तरह के बिल्स को एक प्लेटफॉर्म पर आप पे कर सकते हो डबल बीपीएस आपका एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है अब ये वर्ड आपके एग्जामिनेशन में आएगा इस वर्ड का मतलब क्या है मतलब ये है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर आप बिल्स को पे कर सकते हो जब 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 ये वर्ड आएगा इंटरऑपरेबल मतलब हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं उसे कहा जाता है आपका इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म जिससे कि जो आपके बिल पेमेंट्स हैं चाहे वो रिकरिंग हो फॉर एग्जांपल आपको हर महीने पे करना है स्कूल का बिल आपको हर महीने रिचार्ज कराना है उन बिल्स को भी यहां पर आप पे कर सकते हो इनिशियली इसको शुरू किया गया दो में लेकिन ये आपका लाइव हुआ था ट्वेंटी में मैं आपके लिए रिपीट फिर से कर देता हूं

इसके दो फुल फॉर्म्स हैं एक है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस और दूसरा है आपका इंटरबैंक मोबाइल पेमेंट सिस्टम जो कि मोबाइल के जरिए आप फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हो क्लियर हुआ आपको डबल बीपीएस की बात करें तो इसमें पेमेंट्स आपके बिल क्ले होते हैं डबल बीपीएस का जो बिल पेमेंट यूनिट है उसका नाम एनपीसीआई है मतलब इसका जो सर्वे सर्वर है वो एनपीसीआई है और इसमें एक वर्ड आता है आपका भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट जो कि आपका होता है वो वो बैंक या वो संस्था जो डबल बी पी एस को आपका ऑफर कर रही है तो इसीलिए इसका इस्तेमाल यहाँ पर दोस्तों आपका किया जाता है सबको कतरा कतरा क्लियर हो गया सबको कतरा कतरा समझ में आ गया एक बार जरा फटाफट कमेंट कर दीजिएगा ये आपका माइंड मैप है जो लोग पहली बार आए हैं बेटा माइंड मैप सबसे आसान तरीका है चीजों को याद रखने का और चीजों को समझने का क्लियर हो गया सबको आगे बढ़ते बिहार कि जो लोग हैं गिव मी अ चीयर्स गिव मी अ बिग थम्स अप दोस्तों बिहार में पहली बार एक एआई कंपनी जो कि यूएस की, की सिलिकॉन वैली से बिलोंग करती है उसने दोस्तों जो है वो एंटर किया है बिहार तो सिलिकॉन वैली की एक एआई कंपनी उसका उसने अपना ऑफिस जो है वो बिहार में ओपन किया है उस कंपनी का नाम दोस्तों जो है वो है आपकी टाइगर एनालिटिक्स जो कि आपकी एक एआई कंपनी इसके हेड आपके सांता क्लारा यूएसए में है तो बिहार के अंदर इस कंपनी ने अपना पहला जो ऑफिस है उसे खोला है और ये ऑफिस आपका पटना में दोस्तों जो है खोला गया है तो अच्छी बात है बिहार वैसे भी हमेशा से अ, सरकारी जॉब्स के लिए कोचिंग्स के लिए आपका फेमस है लेकिन अब बिहार के अंदर एक अ, बड़ी कंपनी है एक सिलिकॉन वैल, वैली सिलिकॉन वैली कहाँ है आपकी यूएस में है सेंटर क्लारा में जहां पर मैक्सिमम आपके, आपके आई कंपनी स्टार्टअप्स हैं वो अपना जो पहला ऑफिस बिहार का है उसे पटना में उसने जो है वो आपका स्टार्ट किया है अगर ऐसे खुलते जाएंगे तो जो माइग्रेशन होता है बिहार से यूपी से खासतौर तो बिहार से वो आपके जो है वो काफी कम हो जाएगा सिर्फ बिहार से या तो आईएएस नहीं निकलेंगे या तो वहां से गुंडागर्दी भी होती है वो भी कम होगी और इससे वहां पर फायदा होगा तो सवाल यहां पर यही बनेगा कि विच कंपनी और विच सिलिकॉन वैली कंपनी इज द फर्स्ट कंपनी फर्स्ट सिलिकॉन वैली कंपनी टू ओपन इट्स ऑफिस इन बिहार तो उसका आंसर है आपका दोस्तों डायगेनेटिक्स अब इंडिया के जब हम बात करते सिलिकॉन वैली की बात करते हैं तो सिलिकॉन वैली एक ऐसी जगह है जहां पर आईटी कंपनी स्टार्टअप बनते हैं इंडिया में इंडिया में सिलिकॉन सिटी जो जिसे कहा जाता है उसका नाम आपका बेंगलुरु है जिसे सिलिकॉन वैली कहते हैं लेकिन वो एग्जाम्पल है सिलिकॉन वैली का सिलिकॉन वैली जो ओरिजिनल आपकी है वो कहां पर है आपकी वो यूएस के अंदर है सेंटा क्लारा में क्लियर हो गया सबको कतरा कतरा समझ में आ गया सबको क्या बात है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अभी हाल ही में इंफोसिस ने एक यूरोपियन सब्सिडरी है एक जर्मन कंपनी की जिसका नाम है स्मार्ट यूरोप उसके साथ उसने टाइप किया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उसने टाइप किया है और ये टाइप आपका रहेगा आने वाले पांच साल तक ये टाइप आपका किया गया है और ये टाइप में जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस है उसको इंप्रूव करने के लिए उस कंज्यूमर बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूरोप में खासतौर पर इंफोसिस ने और जो आपका स्मार्ट यूरोप है उसने अभी हाल ही में दोस्तों जो है वो टाइप किया है ठीक है तो मैं आपको रिपीट फिर से करता हूं रिपीट फॉर और जो स्मार्ट यूरोप है उन्होंने मिलकर दोस्तों आपका टाइप किया है ताकि यूरोप में आने वाले पांच साल में जो डायरेक्ट टू कस्टमर मार्केट है उसमें जो उनका ई e मोबिलिटी है जो उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसके टेक्नोलॉजी को और प्रमोट किया जाए उसको और रिफाइन किया जाए इसके लिए इन्फोसिस ने और स्मार्ट यूरोप ने आपका दोस्तों जो है वो टाइप किया है सवाल यहाँ पर एक ही बनेगा आपसे कि स्मार्ट कंपनी का जो यूरोपियन सब्सिडरी है स्मार्ट यूरोप जीएमबी उन्होंने इनमें से किस आई कंपनी के साथ टाइप किया है ताकि आने वाले पांच साल में यूरोप में जो ई मोबिलिटी है या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको हम इंप्रूव कर सके तो उसका आंसर क्या रहेगा आपका इन्फोसिस अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1981 में इसके फाउंडर हैं आपके एन नारायण मूर्ति और इस समय इसके एम डी सी हैं आपके सलील पारेख इसके हेडक्वार्ट आपके जो हैं वो दोस्तों बेंगलुरु में है तो इसको एक बार जरा याद रखिएगा ये इन्फोसिस के बारे में हमने आपको जानकारी प्रोवाइड की है इसके अलावा दोस्तों टाटा प्ले जो कि एक स्ट्रीम जो कि एक सैटेलाइट टेलीविज़न सर्विस है टाटा की उसने कोलैबोरेट किया है नोकिया के साथ और उसके साथ मिलकर वो जो फाइव वाई फाई सिक्स रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क है उसको इंडिया में पहली बार लॉन्च करेगा इंडिया का जो पहला वाईफाई सिक्स रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क है जिससे कि जो हाई स्पीड है उसमें इजाफा होगा उसको लॉन्च किया जाएगा इन एसोसिएशन विथ नोकिया एंड एंड टाटा प्ले नोकिया जो है इंडिया में चाहता है कि जो घर में लोग रहते हैं या जो जिनके बिजनेस हैं उनमें जो इंटरनेट का यूसेज है उसे बढ़ाया जाए और इसके लिए उसने इंडिया में टाइप किया है विथ टाटा प्ले तो मैं रिपीट फिर से करता हूँ आपके लिए भारत का जो पहला वाई फाई सिक्स रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क है उसे लॉन्च किया जाएगा बाय टाटा प्ले एंड नोकिया उन वो मिलकर जो है वो घरों में और और कमर्शियल और बिजनेस एरियाज में इस ब्रॉडबैंड को आपका स्टार्ट करेंगे वाईफाई फाई सिक्स आपका लेटेस्ट वर्जन है ब्रॉडबैंड नेटवर्क का दुनिया में और इंडिया में ठीक है आई होप आपको समझ में आया श्वेता इट इज द लेटेस्ट ब्रॉडबैंड वर्जन ऑफ वाई ब्रॉडबैंड क्लियर है आपको हर्षिता श्वेता एवरी क्लियर है सबको हर्षिता जी क्लियर है ये लेटेस्ट वर्जन है वाईफाई ब्रॉडबैंड का और इंडिया में इसको कौन लॉन्च कर रहा है आपका टाटा प्ले और नोकिया अगर हम बात करें नोकिया का तो नोकिया की शुरुआत हुई थी एटीन सिक्सटी फाइव में एसपो uh, फिनलैंड में इसके हेडक्वार्टर हैं और करंट में इसके जो एमडी डी सी ओ है उनका नाम है आपका पेका लनमार्क uh, अगर हम बात करें स्मार्ट का जो जिसने टाइप किया है आपका विद इंफोसिस तो स्मार्ट कंपनी जो है वो ओरिजिनल कंपनी है आपकी दोस्तों निगबो चाइना से टोंग uh, जिंगबाई इसके सीईओ हैं इसको भूल सकते हैं आप 1994 में आपकी बनी है और जो स्मार्ट कंपनी जिसने टाइप किया है आपका इंफोसिस के साथ वो एक जॉइंट वेंचर है आपका बिटवीन मर्सरीज बेंस एंड जेजांग गीली होल्डिंग्स के बीच उनके बीच और स्मार्ट कंपनी एक तरह से आपकी बनी है इसके अलावा अगर बात की टाटा प्ले का टाटा प्ले बनी है 2006 में हरित नागपाल इसके एम डी सी है और मुंबई में टाटा प्ले जो है जिसने टाइप किया नोकिया के साथ उसके आपके हेडक्वार्टर्स हैं तो मैं रिपीट फिर से करूं इन्फोसिस और स्मार्ट जीएम ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी यूरोप में नंबर वन एंड नंबर टू टाटा प्ले और नोकिया जो है वो इंडिया में इंडिया का जो पहला वाई फाई सिक्स ब्रॉडबैंड नेटवर्क है उसको इंडिया में आपका स्टार्ट करेंगे कतरा कतरा सबको छप गया

इंडिया ने अभी हाल ही में जो टू प्लस टू डायलॉग है किसके साथ पहली बार दोस्तों जो है वो आपका किया है वो दोस्तों किया है आपका इंडिया ने यूके के साथ ऑलरेडी इंडिया कर चुका है रशिया के साथ जापान के साथ यूएसए के साथ इंडिया जो है अब वो यूके के साथ उसने अभी हाल ही में दोस्तों किया है दोस्तों अभी यूके न्यूज़ में है मैंने बताया था आपको यूके न्यूज में क्यों है बिकॉज यूके न्यूज में क्यों है आपका उसकी बात आगे करेंगे न्यूज में क्यों है लेकिन बाकी ऑप्शंस की बात करें तो यूएसए आपका न्यूज में है बिकॉज यूएसए के साथ इंडिया ने टाइप किया है फॉर इंडस एक्स उस वजह से न्यूज में है रशिया की बात करें रशिया का जो एसबर बैंक है वो बना है पहला रशियन बैंक जिसे इंडिया में एफ का मिला है लाइसेंस जहां पर एफ का फुल फॉर्म है आपका फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट चाइना भी न्यूज में है बिकॉज चाइना में अभी हाल ही में बी आर आई सबिट किया जा रहा है उस वजह से न्यूज में है और इटली की बात करें तो इटली ने अभी हाल ही में इंडिया के साथ एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है उसको किया है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी हैंडराइटिंग बेटर है पहले से प्लीज जरा कमेंट कर दीजिएगा इंडिया के साथ एग्रीमेंट जो है वो किया है बाकी मैं आपको रिपीट फिर से करूंगा दोस्तों कि यहाँ की जो फर्स्ट एवर वुमेन प्राइम मिनिस्टर है गियोर्गिया मिलोनी वो न्यूज में है लेकिन न्यूज ये है कि उन्होंने डिवोर्स लिया है उन्होंने तलाक लिया है वो एग्जाम में नहीं आएगी वो आपके मजे के लिए या आपके एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी है लेकिन वो एग्जाम में बिल्कुल आपकी नहीं आएगी ठीक है जी अब आते हैं मुद्दे मुद्दा ये है दोस्तों कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो भारत के दामाद हैं ऋषि सुनाक उन्होंने कहा है कि जो पहला आपका ए सेफ्टी इंस्टीट्यूट है वो यूके में बनेगा जिससे जो ए आई के ईवल्स हैं ए आई का जो मिस यूज है उससे देशों को बचाने के लिए कंपनीज को बचाने के लिए ये इंस्टीट्यूट को आपका यूके में बनाया जाएगा दुनिया का जो पहला आपका ए आई यूके में आपका जो है वो बनाया जा रहा है पिछले दिनों अगर हम बात करें तो ये दूसरी बड़ी खबर है इससे पहले एक और बड़ी खबर यह है कि जो कार्बन टैक्स आपका यूके अप्लाई करने वाला है दो से अपने एक नए फ्रेमवर्क से उसको लेकर इंडिया ने कहा है कि जो इंडिया और यूके का जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है उसमें जो कार्बन कार्बन टैक्स टैक्स एमिशन का का जो जो का जो अमाउंट है उसे कम किया जाए उसको लेकर भी बातचीत आपकी जो है वो अभी हो रही है कार्बन टैक्स आपको पता है क्या होता है कार्बन टैक्स तब लगता है जब कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल कार्बन एमिट करता है किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए तो उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो दोस्तों यहां पर किया जा रहा है तो फिर से करूं आपके लिए कि भादुनिया का जो पहला आपका ए सेफ्टी का इंस्टीट्यूट है उसे दोस्तों आपका बनाया जा रहा है कहां पर उसे बनाया जा रहा है दोस्तों आपका इन यूके वहां पर जो है वो आपका दोस्तों बनाया जाएगा क्लियर है सबको समझ में आया सबको एक बार जरा फटाफट कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर हमें ये समझ में आ चुका है आगे बढ़ते हैं इनमें से कौन से देश का वो आपका सुप्रीम कोर्ट है जिसने फेवर किया है ट्रांसजेंडर्स को और कहा है कि जो एक क्लॉज था कि अगर आपको ट्रांसजेंडर बनना है या ट्रांसजेंडर कहलाना है तो जो आपका प्राइवेट ऑर्गन है उसको आपको करना पड़ेगा स्टरलाइज वो लॉ को हटा दिया गया है वो कौन से कंट्री में है उस कंट्री का नाम जो है आपका वो है आपका जापान दोस्तों अभी आपका भूटान न्यूज में है बिकॉज भूटान और चाइना इन्होंने अपना जो ट्वेंटी फिफ्थ बाउंड्री टॉक्स है जो तो 25वीं इनकी बाउंड्री लेवल टॉक्स है उसको अभी हाल ही में आपका दोस्तों स्टार्ट किया है जहां तक बात करें पाकिस्तान का तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 102 रैंक पे है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जिसमें इंडिया की रैंक की थी जिसमें इंडिया की रैंक आपकी जो है वो 107 से कम हो बढ़कर अब आपकी 111 इंडिया की रैंक इसी इंडेक्स में दोस्तों आपकी हो चुकी है इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों बांग्लादेश की तो बांग्लादेश में पदमा ब्रिज लिंक आपका शुरू हुआ है ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसे फंड किया जा रहा है अंडर दी बेल्ट रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना वो इस पर्टिकुलर ब्रिज को जो है वो आपका फंड कर रहा है अब आते हैं दोस्तों मुद्दे पे मुद्दा है आपका यहां पर रिगार्डिंग जापान हम जापान की बात कर रहे हैं तो जापान दुनिया का पहला देश बना है जिसने एक ऑफशोर लोकेशन से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेलगन है उसका लॉन्च किया है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जापान का जो मेरीटाइम सर डिफेंस फोर्स है उसने कोलैबोरेट किया है अपोजिशन टिक टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक एजेंसी के साथ और इसके साथ मिलकर एक ऑफशोर शोर प्लेटफॉर्म से जो कि उनके देश के बाहर है वहां से उन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का इस्तेमाल किया है और ऐसा करने वाला ये पहला देश है जिसने एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म से ये टेस्ट जो है उसको आपका हाल ही में दोस्तों जो है वो किया है। तो सवाल यहाँ पर पहला तो ये बनेगा कि कौन सा आपका वो कंट्री तो है तो उसका आंसर जो आपके सामने, है, गन आपके सामने दी हुई है, इसका इसका किया है। किसने जापान ने इसका जो है वो इस्तेमाल आपका किया है अगर हम बात करें तो गन एक ऐसा वेपन होता है जहां पर जिससे कि हाई वेलोसिटीज पर हम आपका जो है वो एक

एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत चिंता की बात है बहुत ही ज़्यादा डेलिब्रेशन की बात है और इसको लेकर सरकार भी हरकत में आने वाली है खबर यह है दोस्तों कि अगस्त में एक केस हुआ था कतर में जहां पर भारत के ऐसे आठ नेवी ऑफिसर्स थे जो पहले नेवी में थे वो वहां पर एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे उन पर आरोप लगाया गया था उन पर अक्यूज़ किया गया था उन्हें एस करने का चोरी करने का जासूसी करने का एक इज़राइल इस, के लिए और अब कतर ने कल के दिन ही ऐलान किया है कि उन आठों लोगों को डेथ सेंटेंस जो है वो दोस्तों दिया गया है और इसको लेकर जो लीगल ऑप्शन हैं उनकी बातचीत जो है वो आपकी दोस्तों हो रही है तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एट फॉर्मर नेवी पर्सनल हैं जो इंप्लॉय किए गए थे एक दोहा कंपनी में उन्हें दिया गया डेथ पेनल्टी बिकॉज उन पर जासूसी का आरोप है फॉर इजराइल इस कंपनी का नाम है आपका द दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसर्न सर्विसेज जो दोहा में है और उनको अक्यूज किया गया है कि उन्होंने जो सेंसिटिव सीक्रेट्स हैं उसको इसराइल के साथ आपका शेयर किया है ये समय जब इसराइल का इमेज खास तौर पे गल्फ नेशंस में खास तौर पे मुस्लिम नेशंस में काफी खराब बिकॉज ऑफ द पैलेस्टीनियन इशू यह बड़ी खबर है और इसको लेकर कतर काफी सीरियस है अब इसमें क्या अपडेट होगा इसकी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा लेकिन भारत के आठ ऐसे फॉर्मर ने, ने, ने पर्सनल है जिन पर यह केस हुआ है एक सवाल आपके एग्जाम में एक सवाल आपका आएगा कमेंट सेक्शन में कि सर ये एग्जाम में आएगा तो मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं आएगा लेकिन क्योंकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं सबसे पहले मुझे इस खबर को ऐड करना ही पड़ा बिकॉज ये खबर हम सबको जाननी चाहिए ठीक है लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा मैं पहले रिपीट कर दूं लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ये मेरा जिम्मेदारी आपको बताने का इसलिए मैंने इसको यहां पर आपको बता दिया है क्लियर हुआ सबको चलिए आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यह ट्रायल आपका शुरू हुआ दो में और सॉरी ये आपका जो अरेस्ट किया दो हजार में दो हजार में ट्रायल स्टार्ट हुआ और अगस्त अक्टूबर वन को जो भारतीय एम्बेसिडर है कतर को वो उन्होंने मुलाकात की और अक्टूबर 26 को इन पर इनको डेथ सेंटेंस जो है वो दोस्तों आपका दे दिया गया है क्लियर है सबको समझ में आया सबको चलिए आगे बढ़ते हैं आ, फिर दोस्तों एक और सवाल पे आते हैं शिरडी साई बाबा टेम्पल जो है वो इनमें से कौन से स्टेट से बिलोंग करता है ये स्टेट का नाम आपका दोस्तों है महाराष्ट्र में वहां से बिलोंग करता है बाकी ऑप्शन की बात करें राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर अभी हाल ही में एक गिग वर्कर्स का एक बिल पास किया जा रहा है जिसमें ऐसे ऐसे लोग जो कि काम करते हैं दिहाड़ी बेसिस पर या डेली बेसिस पर डिलीवरी के लिए उनके लिए लॉ आपका लाया जाएगा बाकी यूपी की बात करें तो यूपी में अभी कुछ महीने पहले नंद बाबा मिल्क मिशन जो है इसको स्टार्ट किया गया है ताकि मिल्क प्रोडक्शन को हम और इम्प्रूव कर सकें अरुणाचल की बात करें तो यहां पर अभी हाल ही में स्पेस ऑन व्हील्स इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है आपके विज्ञान भारती ने और आई ने बाकी कर्नाटक की बात करें तो यहां पर अभी हाल ही में जो फोर्टी सेकेंड यूनेस्को का हेरिटेज साइट है वो दिया गया और ये टाइटल दिया गया है टू द हौसला टेंपल्स जो कि यहाँ के तीन शहरों में आपके दोस्तों बेस्ड है तो मुद्दे पे आते हैं दोस्तों मुद्दा है हमारा आज का शिरडी दोस्तों मोदी जी जो है वो शिरडी गए हुए हैं और उन्होंने शिरडी में Uh, करीब 7500 करोड़ वर्थ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको उन्होंने यहां पर जो है वो आपका लॉन्च किया है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इनमें हेल्थ है इनमें रेल है इनमें रोड है इनमें ऑयल है गैस है इनमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जो दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स है शिरडी का उसको भी इन्होंने जो है वो आपका इनोग्रेट किया किया है 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 इसके अलावा जो डैम का लेफ्ट बैंक कनाल है, उसको लॉन्च और साथ ही साथ उन्होंने महाराष्ट्र में नमो महासन्मान निधि योजना को भी आपका लॉन्च किया है डिस्कस करने से पहले दोस्तों ये पता होगा आपको कि भारत में एक योजना है उसका नाम है पीएम किसान अब पीएम किसान में होता क्या है कि पीएम किसान में साल भर में टोटल छह हजार रुपए जो हैं वो किसान को दिए जाते हैं अब इस छह हजार रुपए के अलावा इसमें ऐड ऑन करके इस योजना के अंडर जो कि है नमो शतकारी इसके अंदर एडिशनल आपके छः हज़ार रुपये जो हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा तो स्पेसिफिकली जो महाराष्ट्र के फार्मर्स हैं उन्हें एक तो मिलेगा छ हजार रुपए फ्रॉम फ्रॉम द किसान योजना और उनको एडिशनल छह हजार रुपये मिलेंगे फ्रॉम दी नमो शतकारी महासन्मान निधि योजना तो उनको टोटल में दोनों मिलाकर बारह हजार रुपए जो है वो आपके प्रोवाइड किए जाएंगे क्लियर है सबको समझ में आया सबको दोस्तों अभी पीएम किसान आपका न्यूज में था बिकॉज इसकी एक एआई एप्लीकेशन लॉन्च हुई है जिसका नाम है आपका पीएम किसान ई मित्र ये भारत की पहली किसी बड़ी स्कीम की एक एआई ऐप है जिसका नाम है आपका पीएम किसान ई मित्र जिसको कि अभी कुछ टाइम पहले आपका लॉन्च किया गया था उस वजह से भी पीएम किसान जो है वो आपका दोस्तों न्यूज में है बाकी मुद्दे की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने बनाया है एक आयुष अस्पताल वहां बनाया, बनाया गया है इसके अलावा उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन जो था उसको उसका फाउंडेशन स्टोन ले किया है ऑफ कुर्दुबड़ी लातू रोड रेल सेक्शन का जिसका डिस्टेंस है आपको एक छियासी किलोमीटर का दर्शन क्यूब कॉम्प्लेक्स को किया शिरडी में और लेफ्ट बैंक कनाल नेटवर्क जो कि करीब है आपका एटीफाइव किलोमीटर का नीलवंडे डैम का उसको किया है और नमो शतकारी योजना को भी लॉन्च किया जिससे करीब एक्स लाख बेनिफिशरीज का फार्मर्स का यहां पर आपका फायदा हो सकता है इन्हें टोटल में अब आपका ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज जो है वो अमाउंट इनको प्रोवाइड किया जाएगा समझ में आ गया सबको कतरा कतरा छप गया सबको क्या बात है आगे बढ़ते हैं ऑक्टेन नंबर इनमें से किसके लिए इस्तेमाल आपका किया जाता है दोस्तों आप जब जाते होगे पेट्रोल पंप पे तो आप देखते होगे कि एक पेट्रोल है एक प्रीमियम पेट्रोल है और एक हंड्रेड प्रीमियम पेट्रोल है कई तरह के आप देखते होगे तो आपको डाउट होता होगा कि सर ये पेट्रोल किस लिए है तो उसका जो एक बहुत ही बच्चे वाला एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि अगर आपके पास महंगी गाड़ी है फॉर एग्जाम्पल आपके पास मर्सरीज है आपके पास वॉक्स सॉरी आपके पास लेम्बोरगिनी है है ना आपके पास जैगुवार है सपने देख लो आप लोग तो उनके लिए तो अच्छे प्रीमियम का पेट्रोल डलवाना पड़ेगा बिकॉज उससे फ़ायदा होता है लेकिन अगर आपके पास मारुति है अगर आपके पास ऑल्टो है माफ़ करना यार मैं थोड़ा सा आपको पुल डाउन कर रहा हूँ लेकिन उसके लिए आप नो पेट्रोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाँ अगर आपके पास साइकिल अलग बात है तो अब इंडिया में दोस्तों क्या होता है कि अगर हमें टेस्टिंग करनी है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें किसी कार की टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए हम नॉर्मल पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं

तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सवाल तो आपके सामने ये है कि ऑक्टेन नंबर क्या ऑक्टेन नंबर बेसिकली जो है वो एक तरह से जो इग्निशन है जो इग्निशन क्वालिटी है पेट्रोल डीजल का उसको चेक करता है उसके लिए ऑक्टेन नंबर का इस्तेमाल होता है और इसकी बात मैं आगे करूंगा आगे क्या करूंगा आगे आपके सामने कि इंडिया उन चुनिंदा देशों में से है जहां पर रेफरेंस फ्यूल जो है उसको इंडिया में आपका जो है वो बनाया जाएगा मै आई अगेन रिपीट फॉर एवरीवन इंडिया उन चुनिंदा देशों में से है जहां पर रेफरेंस जो फ्यूल है उसे इंडिया में अब आपका बनाया जाएगा इसका इंफॉर्मेशन दिया है धर्मेंद्र इसका इंफॉर्मेशन दिया है हरदीप सिंह पुरी ने उन्होंने कहा है कि इंडिया में अब जो रेफरेंस ऑयल है फ्यूल है उसका इस्तेमाल होगा मैं आपको रिपीट फिर से करूं रेफरेंस फ्यूल का इस्तेमाल हम आप नहीं करते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है टेस्टिंग में ऑफ ऑफ इंजंस टेस्टिंग में ऑफ इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल डीजल कार्स उसके लिए इस्तेमाल होता है इसका इस्तेमाल आम लोग के लिए नहीं होता है इसको अब इंडिया में अब जो है इसका जो एक प्रोडक्शन है उसे आपका स्टार्ट कर दिया गया है सवाल बनेगा सर कि इससे फायदा क्या होगा फायदा यह होगा कि जो इंपोर्ट बिल है हमारा जो हमारा खर्चा इंपोर्ट करने का टेस्टिंग फ्यूल का वो अब आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा उसके लिए इसका इस्तेमाल यहां पर दोस्तों किया जाएगा इंडिया में इसे बनाएगा आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वो इसको बनाएगा और इंडिया में इसको इस इंपोर्ट को कम करेगा और इसे बनाया जाएगा इंडिया के पारादीप रिफाइनरी में जो कि उड़ीसा में वहां पर इसको बनाया जाएगा और ये पेट्रोल जो है वो इस यूनिट में हरियाणा में बनाया जाएगा सॉरी और इसका इस्तेमाल जो है वो पानीपत यूनिट में जो है वहां पर किया जाए सॉरी माफ करिए माफ करिए माफ करिए हां जो रेफरेंस पेट्रोल है उसे बनाया जाएगा पारादीप रिफाइनरी में उड़ीसा में और जो रेफरेंस डीजल है उसे बनाया जाएगा आपका पानीपत हरियाणा में रिपीट फिर से कर दू आपके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बना रहा है इसको नंबर वन नंबर टू जो रेफरेंस पेट्रोल है उसे बनाया जाएगा पारादीप रिफाइनरी में और जो रेफरेंस ग्रेड डीजल है उसे बनाया जाएगा

मतलब एक लीटर पर आपको उसको डलवाने के लिए फोर फिफ्टी रुपीज करने पड़ेंगे ठीक है जी कोई और उसे नहीं कर सकता अब सवाल बनता है कि सर डिफरेंस क्या होता है रिफरेंस पेट्रोल में या प्रीमियम पेट्रोल में या नॉर्मल पेट्रोल में डिफरेंस होता है आपका दोस्तों ऑक्टेन नंबर का ठीक है और ऑक्टेन नंबर बेसिकली एक ऐसा नंबर है जो बताता है कि एक पेट्रोल डीजल की इग्निशन क्वालिटी क्या है जितनी बेहतर होगी उतना बेहतर उसका ऑक्टेन नंबर होगा ठीक है जी फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो रेगुलर फ्यूल का ऑक्टे नंबर है आपका एट्टी प्रीमियम फ्यूल का नंबर है आपका आपका और रेफरेंस फ्यूल का नंबर है सेवन ठीक है तो अगर आपको ये डलवाना है तो कितना पे करना पड़ेगा आपको फोर <laughs> फिफ्टी रुपीज अटर इतना अमाउंट जो है वो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा समझ में आया सबको चलिए आगे बढ़ते हैं सपने से बाहर आते हैं ओके okay. uh, कितने लोग किसानी करते हैं या किसानी जानते हैं दोस्तों जब हम किसानी की बात करते हैं जब हम आ, फार्मिंग की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीड सबसे इंपॉर्टेंट होता है बीज ठीक है अगर बीज अच्छा है तो फसल अच्छी होगी खराब है तो खराब होगा तो भारत में जो भारत के मिनिस्टर हैं कोऑपरेशन के जिनका नाम है मोटा भाई अमित शाह उन्होंने दोस्तों एक कोऑपरेटिव को लॉन्च किया है एक कोऑपरेटिव संस्था को लॉन्च किया है जिसका नाम है बीबी ट्रिपल डबल एस एल ठीक है उन्होंने इस संस्था को जो आपका लॉन्च किया है इस संस्था का आपका नाम है दोस्तों भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड जो कि भारत में अच्छे सीड्स को डेवलप करेगी और उनको सर्टिफाई करेगी ये एक तरह से सर्टिफिकेशन का काम करेगी और अच्छे सीड्स को डेवलप भी करेगी तो अभी हाल ही में दोस्तों एक इवेंट हुआ था उस इवेंट का नाम है आपका नेशनल सिंपोजियम ऑन प्रोडक्शन ऑफ इंप्रूव एंड ट्रेडिशनल सीड्स थ्रू कोऑपरेटिव सेक्टर इसको ऑर्गेनाइज किया था इस नई संस्था ने जिसका नाम है आपका द तो भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड उसने ही इसको लॉन्च किया था और उसको ही यहाँ पर आपका लॉन्च किया गया अब ये जो आपकी कोऑपरेटिव है बेसिकली इसे बनाया है इफको ने नाफेड ने क्रिपको ने एनसीडीसी ने और और डी ने इन सब मिलकर इस संस्था को आपका बनाया है जो कि इंडिया में एक तरह से सर्टिफाई करेगी हाई क्वालिटी सीट्स को और हाई क्वालिटी सीड्स को बनाने में भी ये संस्था जो है वो आपका हेल्प करेगी यहाँ पर आपका सवाल आपका आएगा दोस्तों की सर ये ये होता क्या है वॉट इज कोऑपरेटिव तो कोऑपरेटिव एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग आपस में आते हैं पैसे लगाते हैं और एक प्रॉब्लम को एक इश्यू को रिजोल्व करते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा तो गुजरात में एक जगह जिसका नाम है आनंद आनंद में महिलाओं को इकट्ठा किया गया एक संस्था बनाई गई जिससे जो मिल्क रेवोल्यूशन है जो मिल्क की प्रॉब्लम है उसे रिजोल्व किया गया और अब दुनिया की सबसे बड़ी जो कोऑपरेटिव है उनमें से एक आपकी अमूल है कुछ कुछ वैसा ही किया जाएगा इसमें जहां पर भारतीय बीज सहकारी सहकारी लिमिटेड जो है वो बनाई गई है ताकि जो हाई क्वालिटी सीड्स हैं उनको हम इंडिया में डेवलप कर सके उनको हम सर्टिफाई कर सके उसके लिए इसका इस्तेमाल जो है उसे दोस्तों आपका किया जाएगा कतरा कतरा सबको समझ में आ गया फटाफट जरा कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर हमें समझ में आ गया है दोस्तों यहां पर एक वर्ड आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वर्ड लिखा हुआ है आपका अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होता है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अपने अंडर तमाम तरह की सर्विसेज को मैनेज करता है मतलब अगर इस केस की बात करें तो इंडिया में चाहे सीट का रिसर्च करना हो हाई सीट को प्रोड्यूस करना हो हाई क्वालिटी सीड्स को सर्टिफाई करना हो ये तमाम सारे काम जो हैं, वो करेगी आपकी भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड जो कि एक तरह से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ ऑल द ट्रेडिशनल सीड रिसर्च अन सर्टिफिकेशन उसकी वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है एग्जांपल के तौर पे बात करें तो इंडिया में जितना भी आपका डिटेल पेमेंट है जितना भी आपका रिटेल डिजिटल पेमेंट है उसका जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है उसका नाम है आपका एनपीसीआई उसे कहा जाता है द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल रिटेल पेमेंट्स क्यों कहा जाता है इसे कहा जाता है बिकॉज़

मेरी बात मानो फिफ्टीन डेज करोगे आप आपको दिमाग में छप जाएगा बस आपको रेगुलरली आना है ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हाउ मेनी पीवीटीजी आर हेड देर इन इंडिया सबसे पहले सवाल बनेगा सर वॉट इज पीवीटीजी तो पीवीटीजी का फुल फॉर्म दोस्तों है आपका पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ठीक है भारत का ऐसा ट्राइबल ग्रुप जो इकोनॉमिक लेवल पर डेमोग्राफिक लेवल पर बहुत ही पिछड़ा है मतलब पिछड़ों में पिछड़ा है इंडिया में ये जो संख्या है वो आपकी सेवेंटी फाइव है तो इनमें से एक ग्रुप की हम आज बात करेंगे उस ग्रुप का दोस्तों जो नाम है वो नाम है आपका बाइगा बाइगा पीवीटीजी जो है वो छत्तीसगढ़ का दूसरा पीवीटीजी है जिसे दिए गए हैं आवास अधिकार या जिसे दिए गए हैं आपके हैबिटेट के राइट्स तो बाइगा पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी जो कि सेकेंड बना है आपका ट्राइबल ग्रुप सेकेंड बना है पीवीटीजी ऑफ छत्तीसगढ़ आफ्टर कमर पीवीटीजी जिसे दिया गया है आवास अधिकार या फिर हैबिटेट के राइट्स इनको ये अधिकार अभी हाल ही में आपका दिया गया है इसको कैसे याद करोगे इसको याद करोगे फ्रॉम आर माइंड मैप बाइगा ट्राइब क्या है बाइगा ट्राइब एग्जाम्पल है आपके एक पर्टिकुलरली वर्लरेबल ट्राइबल ग्रुप का इंडिया में ये पचहत्तर ये है अगर हम इन ट्राइब्स की बात करें तो ये ट्राइब्स आपकी पाई जाती हैं एमपी में उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ में झारखंड में बिहार में उड़ीसा में वेस्ट बंगाल में इनके जो अलग अलग कास्ट हैं उनमें आपका एक है बिजवर नरोटिया भरोटिया नहार राय भाईना और कद भाईना ये उनके लिए है जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की ग्रेड बी की इसके अलावा इसके अलावा दोस्तों ये आपका फोकस करते हैं शिफ्टी कल्टीवेशन फोकस करते हैं जो कि है आपका व्यवहार का करेंटली इंडिया में पचहत्तर ऐसे पीवीटीजीज़ हैं और जो मैक्सिमम संख्या है आपके पीवीटीजीज़ की उनका वो संख्या आपकी है उड़ीसा में जहां पर इनका जो पॉपुलेशन है आपका वो टू पॉइंट फाइव लाख से ज्यादा है एक यहां पर सवाल आ रहा है सर किसी का कि सर पहला कौन सा है तो बेटा आप रेगुलर नहीं देख रहे हो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये रहा आपके सामने पहला जो ट्राइब है आपको उसका नाम है कमार पीवीटीजी जो पहला ट्राइब है आ, यहां पर एक सवाल आता है कई बार कि सर ये सब तो ठीक है लेकिन अगर मुझे रिवाइज करना है तो मैं कैसे करूंगा तो बेटा हर संडे को सुबह आठ बजे हम लेकर आते हैं वीकली कंटिफेंस एनालिसिस जहां पर हम मैक्सिमम स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन कराते हैं और करीब सौ क्वेश्चन कराते हैं अगर उसको आप देख लोगे तो आपको रिविजन करने की कोई दिक्कत नहीं होगी मैं रिपीट फिर से करूं। इट ऑल अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या है कि अगर आपको तैयारी करनी होती है पहले फोकस करो आप सेशन में रेगुलर बेसिस पर फिर संडे को फोकस करो संडे को फोकस आपका आराम से हो जाएगा नरुतो जी रिपीट फिर से करूं आपके लिए बाइका ट्राइब आपकी जो है वो इन स्टेट्स में आती है और ये आपकी एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब है जिसको कि सेकेंड बना है ट्राइब छत्तीसगढ़ में जैसे हैबिटेट राइट्स आपके जो है वो प्रोवाइड की गई हैं सबको समझ में आ गया कतरा कतरा क्लियर हो गया फटाफट जरा कमेंट कर दीजिएगा फिर दोस्तों बात करते हैं हम एमओयूस की अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर ने और यूएस की कंपनी है आपकी एयरबस उन्होंने दोस्तों अग्रीमेंट किया है और अग्रीमेंट पे किया है एयरोपेस सेक्टर को या टैलेंट को बूस्ट करने के लिए इंडिया में उसके लिए अग्रीमेंट इंडिया आईआईटी कानपुर ने और आपका एयरबस ने आपका दोस्तों किया है ये लोग मिलकर जो है वो एजुकेशन प्रोग्राम्स आपके लॉन्च करेंगे जिनका मेन फोकस होगा को में जो आपका टैलेंट है उसे प्रमोट करना एयरोपेस में और लोग को इन्वॉल्व करना उसके लिए एयरबस ने और जो आपका आई कानपुर है उसने अभी हाल ही में टाइप किया है इसके अलावा दोस्तों अभी एयरबस न्यूज में था न्यूज में क्यों था बेटा बिकॉज एयर बस ने अभी टाइप किया था पीएम गतिशक्ति विश्वविद्यालय से उसके साथ भी उसने जो है अभी हाल ही में टाइप किया था और यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे उनमें से कई लोग को जो जॉब है वो जॉब अब आपका एयर बस जो है वो प्रोवाइड करेगा ये जो आपका विश्वविद्यालय ये जो ये जो आपका विश्वविद्यालय है ये सिचुएटेड है आपका वहां पर वडोडरा सिचुएटेड है और रेलवे के अंदर आपका ये विद्यालय आपका आता है जिसका मेन मकसद है रेलवे के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो कराना तो उसके लिए भी एयरबस आपका न्यूज में था एयरबस इसलिए भी आपका न्यूज में था बिकॉज एयरबस ने टाइप किया है टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ और इसके साथ मिलकर इंडिया में ये सी टू नाइन जो एयरक्राफ्ट है जो भारत का कार्गो सर्वेलेंस का रिकॉनिशा का एयरक्राफ्ट है उसको जो है वो आपका इंडिया में आपका ये डेवलप करेगा इंडिया में जो है उसको ये ग्रो कराएगा उसके लिए भी एयरबस के साथ ये आपका दोस्तों न्यूज में बना हुआ था कतरा कतरा समझ में आ गया सबको क्या बात है आगे बढ़ते हैं बाकी ये अग्रीमेंट आपके सामने फॉर जो हुए हैं पिछले एक हफ्ते में इंडिया जापान ने किया है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन सप्लाईमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया है उसके अंडर एमडीएल मजागांव टॉक लिमिटेड ने अग्रीमेंट किया है मुंबई बेस्ड फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड ट्रेनिंगशिप ब्रिजस्टोन टाइप किया है टाटा पावर के साथ और इंडिया में फोर व्हीलर्स के लिए ई वी को इंस्टॉल करेगा वर्ल्ड बैंक जापान ने टाइप किया है डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप करने के लिए स्किल इंडिया टाइप किया कोकोला के साथ फॉर सुपर पावर रिटेल प्रोग्राम आई सी टी सी ने टाइप के जोमैटो के साथ और जोमैटो अब प्री ब्रुक्ड मील्स को ट्रेन पे डिलीवर करेगा तर एनर्जी टाइप किया है आपका इटली की ई e के साथ और वो टाइप किया गया है ताकि जो एल गैस है उसको सत्ताईस साल के लिए उसको सप्लाई किया जाएगा फ्रॉम कतर टू इटली उसके लिए ये अग्रीमेंट आपका हाल ही में दोस्तों किया गया है इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो अभी 24 से 30 अक्टूबर तक ऑब्जर्व किया गया है आपका द डिस वीक ये वीक आपका ऑब्जर्व किया गया 24 अक्टूबर को और पहली बार इसको 78 में ऑब्जर्व किया गया था और इसका मेन मकसद था कैसे जो दुनिया के देश हैं वो आपका हथियार ना उठाएं कैसे दुनिया के देश जो हैं, वो हथियार ना उठाएं, उसके लिए को आपका किया गया था, और ये 78 से लगातार आपका हो रहा है और ये वीक आपका 24 से, 30 अक्टूबर को लेकर ये डे आपका जो है वो ऑब्जर्व आपका दोस्तों किया जाता है इसके अलावा दोस्तों चौबीस अक्टूबर को ही आपका इसके अलावा ट्वेंटी अक्टूबर को दोस्तों आपका वर्ल्ड पोलियो डे मनाया गया वर्ल्ड पोलियो डे आपका मनाया गया है 2002 से जब यूरोपियन रीजन में इसे पोलियो फ्री कहा गया था हर साल अक्टूबर 24 को आपका होता है नंबर वन नंबर टू इंडिया आपका पोलियो फ्री हुआ था ट्वेंटी मार्च 2014 को इसका थीम है आपका अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन इस थीम पर ये आपका दोस्तों जो है वो बेस किया गया है फिर दोस्तों आज के दिन की बात करें तो आज के दिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं द वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज ये आज के दिन ऑब्जर्व होता है आपका ये यूनेस्को करता है और यूनेस्को के साथ कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ ऑडियो विजुअल एसोसिएशन ये भी करता है और हर साल सत्ताईस अक्टूबर को होता है इसका थीम दोस्तों आपके सामने जो है वो थीम आपका है योर विंड विंडो टू द वर्ल्ड इस थीम पर ये आपका दोस्तों जो है वो बेस किया गया है बाकी ये डेज एक बार देख सकते हैं ये डेज मैंने आपको दे दी यहां पर फिर बात करें अपॉइंटमेंट्स की तो अभी हाल ही में आई के प्रोफेसर हैं उनका नाम है सारंग देव उन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो उसका टीबी का डिवाइसरी ग्रुप है उसका उन्होंने नया मेम्बर बनाया है ये भाई साहब जो हैं वो जो टीबी का ग्रुप है इसका नाम है आपका स्ट्रेटजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप उसके मेंबर बने हैं करेंटली आपके डिप्टी डीन है ऑफ फैकल्टी and रिसर्च as the executive डायरेक्टर ऑफ द मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर एट आई एस पर ये उसके डायरेक्टर हैं और इन्हें दोस्तों इसका मेम्बर अब आपका बनाया गया है अगर हम बात करें टी का तो दोस्तों टीबी को इंडिया में हमें कंप्लीट करना है इराडिकेट करना है 2025 तक लेकिन अगर हम बात करें दुनिया की दुनिया में टीबी को हमें इराडिकेट करना है ट्वेंटी तक तो ये दो टर्म्स एक बार याद करिएगा इंडिया में दो टारगेट है लेकिन दुनिया में टारगेट आपका क्या है 2030 का टारगेट है ठीक है जी आ, अगर हम इस एडवाइसरी काउंसिल की बात करें तो ये जो काउंसिल आपका है ये ऑपरेट करता है आ, विद द मिशन टू तो कंट्रीब्यूट इन ग्लोबल एफर्ट्स टू रेडिकेट एपिडेमिक अराउंड द वर्ल्ड उसको ये कंट्रीब्यूट एक तरह से आपका दोस्तों करता है अपॉइंटमेंट्स की बात करें आपके सामने दिए हुए हैं पिछले कुछ हफ्तों में कुछ दिनों में ये अपॉइंटमेंट्स आपकी जो हैं वो है वो कराई गई हैं फिर बात करते हैं दोस्तों अवार्ड्स एंड बुक्स की तो अभी हाल ही में एक ऑटोबायोग्राफी आई है और ऑटोबायोग्राफी है इसरो के जो करंट चेयरमैन है एस सोमनाथ की उनकी ऑटोबायोग्राफी आई है उसका नाम है आपका नीलवु कुदिचा सिमहंगल जिसको इंग्लिश में हम दोस्तों कहते हैं आपका लायंस दैट रैंग द मून लाइट इस बुक को पब्लिश किया है केरला बेस्ड लिपि पब्लिकेशंस ने और ये बुक जो है वो ऑटोबायोग्राफी है खास तौर पे चंद्रयान थ्री पर आपका जो है ये एक तरह से फोकस करती है इसी बुक को अभी हाल ही में आपका जो है वो लॉन्च किया गया है बाकी अलग अलग अवार्ड्स जो दिए गए हैं वो आपके सामने हैं पिछले दो हफ्तों के उनको मैंने यहाँ पर आपके लिए बता दिया है फिर दोस्तों एक उनका नाम है मार्टिन गोवेट्स ये दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें मिला था एक सॉफ्टवेयर का पेटेंट और ऐसा करने वाले दुनिया के आपके पहले व्यक्ति थे इनका दोस्तों डेथ हुआ है इनका एक पेटेंट था फॉर सॉर्टिंग सिस्टम जिसके लिए इन्हें मिला था आपका पेटेंट और पेटेंट हासिल करने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति थे इनका दोस्तों जो है वो आपका डेथ अभी हाल ही में दोस्तों हुआ है इनका नाम है आपका मिस्टर मार्टिन गोवेट्स ये दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर का पेटेंट इन्हें हासिल आपका हाल ही में दोस्तों हुआ था फिर अगर हम बात करें दोस्तों तो गगनयान मिशन का जो पहला टेस्ट था जो कि था आपका टी वी जो कि था आपका टेस्ट वहीकल डी वन ये टेस्ट ऑलरेडी आपका 21 अक्टूबर को हो चुका था अब इसके बाकी टेस्ट होने वाले हैं अगर हम बात करें तो जो अगला टेस्ट होगा वो होगा आपका द टीवी फिर दी एक्स अनमैन ऑर्बिटल डेमोस्ट्रेशन फ्लाइट और इंटी और पैड ये टेस्ट आपके जो हैं वो अब होने वाले हैं अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में जो जीएक्स मिशन होगा उसमें एक क्रू मॉड्यूल होगा विद सर्विस मॉड्यूल होगा ये बेसिकली आपका एक अनमेड मिशन होगा जहां पर इंडिया का जो पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका नाम है व्योमित्र इसको यहाँ पर ऐड किया जाएगा जो कि भारत की पहली आपकी फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट है जिसका इस्तेमाल यहाँ होगा और इसे डेवलप किया गया है बाय द इसरो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट उसके जरिए ये टेस्ट आपका जो है वो किया जाएगा और ये टेस्ट में हम इस व्योमित्र को अंतरिक्ष में आपका दोस्तों भेजेंगे नंबर वन नंबर टू टीबी डी जो होगा वो सेकेंड होगा ऑफ द फोर टेस्ट जो कि प्लान किए गए हैं और ये टेस्ट आपका बहुत जल्द होने वाला है डिफरेंस ये रहेगा कि टी वी डी टू में आपका एक कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी रहेगा जिससे जो एक एटीट्यूड है जो आपका ओरिएंटेशन है आपका क्रू मॉड्यूल का उसको हम चेंज कर सकते हैं तो एक ऑन बोर्ड एक कंट्रोल सिस्टम भी होगा ये डिफरेंस होगा आपका टी वी डी वन में और टी वी डी टू में उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर दोस्तों आपका किया जाएगा बाकी मैं और डिस्कस कर चुका हूँ इसको एक बार देख लीजिएगा ये इसका माइंड मैप है जो कि स्क्रीन पर आपके दिया हुआ है फिर दोस्तों चाइना ने अपना सबसे यंग यंगेस्ट एवर स्पेस क्रू को अंतरिक्ष में भेजा है इस स्पेस क्रू का जो एवरेज एज है वो आपका थर्टी एट है और इसमें तीन एस्ट्रोनॉट्स आपके जा रहे हैं और ये जो उनका स्पेस स्टेशन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर ये ऑर्बिट करेंगे तो ये यंगेस्ट एवर क्रू है आपका ऑफ चाइना फिर बात करें दोस्तों स्पोर्ट्स की तो अभी एक दिन पहले 25 तारीख को आपका इनफैक्ट अभी कल के दिन इनोग्रेट हुआ है नेशनल गेम्स नेशनल गेम्स आपके हो रहे हैं दोस्तों गोवा में ये चलेंगे आपके 9 नवंबर तक ये गेम्स किए जाएंगे मपूसा पंजिम पोंडा वास्को और बारगो में साइकिलिंग ट्रैक और गोल्फ इवेंट दिल्ली में होंगे इसका मोटो है गेट सेट गोवा इसका मैस्कॉट है मोगा एंड इंडियन बाइसन और फोर्टी थ्री में ये स्पोर्ट्स आपके जो है वो कराए जाएंगे बाकी दोस्तों इंडिया की जो उन्नति हुड्डा है उन्होंने जीता है बैडमिंटन में अबू धाबी मास्टर्स स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मेन सिंगल जीता है मैथ्स क्रि, क्रिस्टोफर्सन ने वुमेन्सिंग हुड्डा ने विमेन्स डबल जीता है अश्विनी पुनप्पा और तनिषा क्रास्टो ने और मैं डबल जीता है आपके गौ सी और नूर इजुद्दीन ने ये इवेंट के ये सारे आपके विनर्स आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं फिर दोस्तों एशियन पैरा गेम्स में इतिहास रचा है एशियन पैरा गेम्स में जावलिन थ्रो के एफ फोर्टी सिक्स इवेंट में सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रेक किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने दोस्तों बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड और ये ना सिर्फ एशियन रिकॉर्ड भी है बल्कि आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इनका नाम है सुंदर सिंह गुर्जर फिर इंग्लैंड और श्रीलंका का जो मैच कल हुआ था वो वर्ल्ड कप का सबसे छोटा मैच था ये मैच आपका जो था वो आपका सेवेंटी वो मैच जो था वो आपका जो है वो थर्टी थ्री पॉइंट टू ओवर्स और ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव ओवर्स में आपका खत्म हो गया और ये सब सबका अब, अब तक का सबसे छोटा मैच था जो वर्ल्ड कप का जो कि इस वर्ल्ड कप का है जो कि श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच अभी हाल ही में कराया गया फिर दोस्तों बात करें गवर्नमेंट स्कीम की तो जो भारत की उड़ान योजना है जो आम नागरिक को अफोर्डेबल फेयर देती है उड़ान भरने का एयर फेयर देती है जो कि इंडिया में एयर जो इंडिया में जो आपका एयर 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 जो इंडिया में एविएशन सेक्टर है उसको डेवलप करती है उसको अब छः साल आपके पूरे हो चुके हैं ये जो उड़ान स्कीम है उसको छः साल पूरे हो चुके हैं और पहली उड़ान आपकी थी इस योजना के अंदर ट्वेंटी में उस समय शिमला से डेली तक उड़ान भरी गई थी और अब तक 1.3 करोड़ पैसेंजर्स उड़ान भर चुके हैं और ये जो आपकी योजना है इट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी आपका, 5 5, 5 5 आपका लॉन्च किया गया है इसको समझने के लिए इसको सिर्फ देख लीजिएगा आपके सामने जहां पर अलग अलग फेज में क्या क्या हुआ उसको दिया हुआ है उड़ान वन में क्या हुआ में क्या हुआ थ्री में क्या हुआ फोर में क्या हुआ में में क्या हुआ, और में क्या हुआ, हुआ? और इन है इसका फाइव पॉइंट टू फेज भी आपका शुरू हो चुका है जिसमें हम स्मॉल की बात करेंगे और वहां पर हेलीकॉप्टर्स की भी और बढ़ चढ़कर बात करेंगे लेकिन इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा बाकी बात करें स्टैटिक जीके का तो अभी हाल ही में दोस्तों एक मीटिंग होती है जो रेगुलर मीटिंग होती है मोदी जी की उस मीटिंग का नाम है आपका प्रगति ठीक है ये इसका जो फोर्टी थर्ड एडिशन है उसको आज हाल ही में किया गया और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की गई सवाल बनता है सर प्रगति है क्या प्रगति का फुल फॉर्म है आपका प्रो एक्टिव गवर्नेस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन एक ऐसा मीटिंग है जहां पर जो कॉमन मैन ग्रीवेंस है और जो अलग अलग प्रोग्राम्स है स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के उनको डिस्कस करना और ये एक मीटिंग होती है रेगुलर बेसिस पे ये शुरू की गई थी पहली बार 2015 में और इसे डिजाइन किया है आपके नेशनल सेंटर ने ये मीटिंग आपकी हर फोर्थ को होती है हर महीने के और मंथ जो जो का उसे हम प्रगति डिस्कस करते हैं इस मीटिंग में दोस्तों डिस्कस किया गया आपका एक ये टर्म जिसका नाम है सीपी ग्राम्स जिसका फुल फॉर्म है आपका सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जिसके जरिए जो कस्टमर्स अपने कंप्लेन को यहां पर लॉन्च कर सकते हैं और उन

जिसमें कि एनोटेशन हम डिस्कस करते हैं जो जो लिखा होता है वो और दूसरा हम प्रिंटेबल पीडीएफ भी जो है उसको भी आपका अभी हाल ही में प्रोवाइड करते हैं ठीक है बाकी दोस्तों ये रहा आपके सामने होमवर्क और अगर आपको मेरा कोर्स लेना जो कि नवंबर में आएगा आपको यूज करना है कोर्ट के पी टेन और मेरा जो बैंकिंग कंसेप्ट का बैच है जीए का बैच है वो आने वाला है, उसके लिए हम सब्सक्रिप्शन ले लीजिए चाहे जो मंथ्स 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 का 12 का 6 का और आपको यूज करना है कोट के पी टेन विद दिस गाइज विल कम टू एन एंड बाकी येस yes, ऑफिसर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच एवरी फॉर कमिंग एंड बब बाई गाइज टेक के मुलाकात करेंगे अब आपसे हम कल थैंक यू सो मच एंड टेक केयर बाकी आज शाम को आठ बजे हम लेकर आ रहे हैं सेप्टेंबर का एमसीक्यू सेशन थैंक यू सो मच एवरी वन एंड टेक केयर मुलाकात करेंगे आपसे हम डिस्कशन में बाय बाई गाइज थैंक यू सो मच एंड टेक केयर गाइज थैंक यू सो मच एवरी वन बाय